भीषण गर्मी के बीच राजनांदगांव शहर के लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। शहर के नया ढाबा वार्ड में लगभग एक वर्ष से लोग पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्षद से लेकर नगर निगम और कलेक्ट्रेट कार्यालय तक फरियाद करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शहर के नया ढाबा वार्ड के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा एक टैंकर पानी दिन में भेजा जाता है, जो पर्याप्त नहीं होता है। वही पानी के टैंकर आने पर पेयजल के लिए लड़ने झगड़ने की नौबत आ जाती है। वार्ड के लोगों ने स्थानीय पार्षद से लेकर नगर निगम आयुक्त, महापौर और जिलाधीश तक को अपनी समस्या से कई बार अवगत कराया, लेकिन पेयजल संकट कोई भी नहीं दूर कर सका। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। द्वारा शहर में 40 ml पानी दे रहा है पर डे, सुबह शाम करके 20-20 ml पानी दे रहे हैं। कुछ एरिया जो है ढाबा में कुछ अन्य कारणों से पानी प्रेशर कम है, पाइपलाइन वगैरह में कुछ कचरे वगैरह आ गए, उसको सफाई करा रहे हैं। और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे हाई लेवल है, तो शहर में कुछ घरों में टुल्लू पंप चलाते हैं, तो उस कारण से प्रेशर डाउन हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में जहाँ जहाँ टुल्लू पंप चलते हैं, उस एरिया में थोड़ा सा वाटर लेवल हाई लेवल पे पानी पहुँच नहीं पाता है। इसलिए कुछ कुछ एरिया है जिसमें पानी की समस्या हो जाती है। सर, एक साल हो गया, पिछले मार्च में जो सफाई हुआ है उसके बाद से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमारे मोहल्ले में जब से सफाई हुआ है तब से एक बूंदी पानी नहीं आ रहा है। सबके घर कनेक्शन लगा हुआ है, और इस बात को हम लोग निगम में जाके निगम के इंजीनियर को, महापौर को और हमारे वार्ड के पार्षद सचिन जी को हम सबको बता चुके हैं। और वो लोग बोलते हैं कि बस हम काम करते हैं, बस अभी ये है वो है करके सब टाल रहे हैं लोग, और हम लोग एक साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या पानी दुर्गा चौक में पानी नहीं आ रहा, वहाँ पर कम से कम 2 महीना हो गए पानी नहीं। हम दूसरे घर से पानी ला यूज करते हैं पीने के लिए, और वो लोग क्या है मोटर लगा चालू करते हैं तो तब पानी आता है उनके यहाँ। यहाँ पानी आ ही नहीं रहा है किसी के यहाँ। शिकायत तो मतलब कहाँ किसको किया, कि आता है नगर निगम वाले उसको बोले हैं कि पानी नहीं आता करके, पार्षद को ही बोलता है बताए हैं, ध्यान नहीं देते ना।